जिले में तहसील मुख्यालय गैरतगंज के ग्राम गड़ी चौकी थाना गैरतगंज का मामला प्रकाश में आया, जहां पर विगत दिवस गुरुवार 4 जुलाई 2024 को क्रेता रईश खां आत्मज लियाकत खां निवासी ग्राम पेनगवा ने मीडिया को शपथ पत्र देकर बताया कि विक्रेता ज्योति तिवारी पत्नी श्री प्रेम नारायण ग्राम गड़ी चौकी थाना गैरतगंज द्वारा उक्त प्लॉट 30x40 वर्ग फीट का, जिसकी कीमत 3,75,000 का खरीदा था। उक्त प्लॉट का भुगतान लिखापढ़ी के साथ हो चुकी, परंतु विक्रेता ने 4 लाख और ले लिए, परंतु महिला द्वारा उक्त प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए गुमराह कर दी रही। प्लॉट विक्रेता रईश खान ने अधिकारियों को आकर्षित करते हुए मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है, जहां पर शिकायतकर्ता क्रेता रईश खान निवासी ग्राम पेनगवा द्वारा बताया गया है कि उक्त प्लॉट दिनांक 29 नवंबर 2011 को खरीदा हुआ है। नगर गड़ी चौकी सहित क्षेत्र भर में जन चर्चा है कि क्रेता रईश खां आत्मज लियाकत खां निवासी ग्राम पेनगवा के साथ उक्त महिला ज्योति तिवारी धोखाधड़ी की है, जहां पर क्रेता द्वारा मीडिया को भी शपथ पत्र देकर खबर प्रकाशित हुई। जिले भर में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी का मामला जांच में आया है, जहां पर क्रेता एवं विक्रेता की फोन चर्चा ऑडियो वायरल भी हुई है, जो कि सच्चाई सामने आ रही है। भले ही रजिस्ट्री हमारी नहीं हो पाई है, मगर चीज तो तुम्हारे नाम ही थी। अभी खैर चीज हमारे नाम है, तो हम तुमसे कह तो रहे थे कि हम पैसा तो तुम्हारा वापस दे आएंगे ना। नहीं, हमने ऐसे उस देश से थोड़ी खरीदी थी कि हम पैसा वापस मिल जाए, हमें हमारी चीज मिटा दें हम। और तुमने भी देखो अपने औलाद की तक कसम खाई थी ज्योति, हम बिल्कुल भरोसा तुम्हारे ऊपर, अपने जैसा ही करा हमने बिल्कुल। तुमने अपनी औलाद की कसम खाई, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। महाराज के सामने भी कितनी बार बात करी। हाँ, तो हमने बिल्कुल कही ना भाईजान, लेकिन अब हम क्या करें, तो फिर हम आत्महत्या कर ले, हमारे मोड़ा मोड़ो में मार डाले, फिर हम जय कर सकते हैं और तो कछु नहीं कर सके। तो ऐसा थोड़ी होता हमारी चीज में। हम क्या कहते हैं, आप करा लो अपने नाम पे। देखो हमने इतनी मदद करी, और भी हम अगर बने गया तो और भी मदद कर देंगे, मगर ऐसा मत करो, हमारी चीज मत मिटाओ। सिर्फ हमारी मुश्किल से एक वो ही हमारी निशानी बची है कि हमारे पास, और बाकी हमने देखो तुम्हारे लिए हमने खेत रख के पैसे दिए होंगे। बिल्कुल भाईजान, हम जो कह रहे हैं, हम आ रहे हैं गड़ी, तुम कब मिल रहे हैं, हम आके हम आप सारी समस्याएं बता दे रहे हैं, फिर आप जो हमें उचित लगे ना वो कर लेना। अब समस्या बताने से सुन लेंगे, बैठ जाइए। मैं राजेश साहू, जिला रायसेन से, अभी हम तहसील मुख्यालय के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जो शिकायतकर्ता शपथ पत्र को लेकर मीडिया को देते नजर आ रहे हैं। क्या है मामला, क्या है इनकी परेशानी, जो परेशानी हालत में देखे जा रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम बताएं। रईस खान। थोड़ा तेज बोले। रईस खान। क्या परेशानी है? मैंने प्लाट लिया था ज्योति तिवारी से, पूरा पैसा देने के बाद अब वो मुकर रही है, और उसके अतिरिक्त भी 4 लाख और दे चुके हैं उन्होंने। आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह में क्या है? लिखा पड़ी है ये, और गवाहेंगे, फोन रिकॉर्डिंग है, सारे सबूत आपके पास है? सारे सबूत। और ये शपथ पत्र जो रखे हैं आप, ये हम मीडिया के लिए दे रहे हैं। अभी इन्होंने बताया है कि मेरी जो परेशानी हालत है, मैंने उक्त महिला को पैसे पूरे दे दिए हैं, और इनने बताया है कि लिखा पढ़ी भी इनके पास है, सारे सबूत हैं, रिकॉर्डिंग भी है, परंतु महिला के द्वारा इनके लिए धोखाधड़ी की जा रही है। अब देखना यह है कि मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से खबर प्रकाशित होती है। अब इस पर जिला प्रशासन, तहसील मुख्यालय के राजस्व विभाग से अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, इस पर जांच का विषय है। इसी श्रृंखला में मैं राजेश साहू, जिला रायसेन से।